Hey guys, welcome back to my channel. मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ मारुति के बलेनो डेल्टा वेरिएंट 2018 की मैन्युफैक्चर्ड है ये पेट्रोल है जिसका 82 bhp इसका पावर है एंड 113 nm का टॉर्क है 1.2 लीटर VVT इंजन आता है इसमें पेट्रोल फोर सिलेंडर जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एंड ये 5 साल करीब पुरानी होने वाली है तो 4 साल हो गए इस कार को तो जस्ट मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू बताने वाला था कि ये कार में जैसे अभी मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है इंजन नॉइस कैसा है केबिन इंसुलेशन कैसा है वो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था इसमें बाप रे गोबर हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन पहली बात इसके सस्पेंशन सॉफ्ट हैं तो आपको जैसे कि हाई स्पीड में वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को जरूर मिलेंगे जैसे हल्की हल्की अनइवन रोड्स आती हैं हाईवे पे भी या कहीं भी हाई स्पीड में अगर आप निकालते हैं वहां से तो ऑफ कोर्स ही बात है आपको वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग की बात करूं तो फीडबैक ठीक है लेकिन स्टीयरिंग को ऑपरेट करने में मजा नहीं आता बहुत एकदम नॉर्मल क्वालिटी लगती है जैसे कि आज की कार से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो मजा नहीं आता। अभी की बलेनो की स्टीयरिंग पहले से बेटर है इस कार से तो बेटर है लेकिन इस कार में इस तरफ मोड़े रहो तो इसी तरफ मुड़ रहती है देखो ये देखो देखना ना इसे ये छोड़ दिया इस तरफ कार भागी पूरा ये देखो तो ये वापस भी नहीं आती थी अपने शेप पे पूरा यू टर्न अगर आप लेते हैं एंड उसके बाद छोड़ देते हैं कार को तो हल्की रुकी जाती है सेंटर पे कभी कभी आती कभी कभी नहीं आती है तो वो चीज़ भी इसका बेकार है लेकिन इंजन बहुत अच्छा है इसका केबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है बट रोड नॉइस थोड़ी आती है 60 की स्पीड में बहुत ज़्यादा आती है अगर आप इसके सेगमेंट से कंपेयर करते हैं इसकी और जो सेगमेंट में कार आती है हैचबैक के सेगमेंट में एंड बाकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी 100 तक आप आराम से चला सकते हैं दिक्कत नहीं होती बट थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है उतना बिकॉज सॉफ्ट सस्पेंशन है तो स्टेबिलिटी कम मिलती है कार जंप खाते रहती है रास्ते में तो वर्टिकल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते रहते हैं तो वो चीज़ उतने मज़ेदार नहीं है। बाकी माइलेज तो काफ़ी अच्छा देती है जैसे कि अभी मैंने ट्रिप रिसेट किया था घर से तो अभी चल चुका हूँ करीब 13 से 15 किलोमीटर तो आप देख सकते हैं 23.6 किलोमीटर का माइलेज दिखा रही है एंड मैं आपको ट्रिप भी दिखा देता हूँ ये देखिए 18.6 किलोमीटर चल चुका हूँ एक्चुअली एंड माइलेज कितना दे रही है 23.7 का हो गया अभी बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 70 से 80 के बीच में ही ओनली बस अभी एक जगह रुका था टोल पे बाकी हाईवे पे ही चल रहा हूँ ऐसे लाइट फुट के साथ एंड आराम से रेव करके तो माइलेज अच्छा दे देगी कार आपको ये नो डाउट बिकॉज इसका कर्व वेट भी काफ़ी कम है एंड चलने में अच्छी है कार बट थोड़ा हाई स्पीड स्टेबिलिटी उसकी खास नहीं है इसकी अगर मैं अल्ट्रोज से कंपेरिजन करूँ तो भाई स्टेबिलिटी में मामले में तो वही अच्छी है इंजन इसका अच्छा रिफाइनमेंट के मामले में बाकी पावर इसका थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज कर्व वेट इसका कम है पर उसका भी पावर कुछ कम नहीं लगता आपका पहाड़ वगैरह में भी अच्छी चल जाती है वो भी अल्ट्रोज भी एज अ अल्ट्रोज ओनर मैं भी जैसे अल्ट्रोज ओनर हूँ तो एक छोटा सा आपको कंपेरिजन बता देता हूँ कि उसका इंजन रिफाइनमेंट से कम है बाकी रोड नॉइज जो टायर नॉइज जो आते हैं हाई स्पीड में जैसे 80-100 के बीच में वो उसमें कम है इसमें बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू टाटा अल्ट्रोज तो यही मैं आप सभी को बता रहा था इस वीडियो में। बाकी चलने में अगर आप 80-100 के बीच में चल रहे तो कार अच्छी है आपके लिए एंड लो स्पीड राइड में अगर बात करते हैं तो गड्ढों वगैरह में लो स्पीड में जैसे ब्रेकर वगैरह निकाल रहे हैं तो थोड़ा स्मूथ है सस्पेंशन इसका बिकॉज सॉफ्ट है तो उतना जर्क आपको देखने को नहीं मिलता बट यही चीज आपको डिसएडवांटेज प्रोवाइड करती है हाई स्पीड पे। सो गाइस यही एंड करते हैं इस वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये थी मारुति की बलेनो ऐसी सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लेता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ हाईवे पे कैसी चलती है पुरानी बलेनो तो अगर आप भी ऑन करते हैं अल्ट्रोज या बलेनो तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बेटर लगती है स्टेबिलिटी के मामले में राइड क्वालिटी के मामले में राइड क्वालिटी तो ऑफकोर्स अल्ट्रोज की ज्यादा अच्छी है स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है इंजन रिफाइनमेंट इसका अच्छा है उसका थोड़ा कर्व वेट ज्यादा अल्ट्रोज का इसलिए थोड़ा सा पावर कम लगता है लेकिन उसमें पावर अच्छा है मतलब आपके लिए ठीक है पहाड़ वगैरह में भी कहीं कम नहीं लगता है। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को थैंक यू सो मच वॉचिंग।